नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। हुसैनाबाद जपला से हमारे संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर हुसैनाबाद जिला बनाओ मोर्चा ने किया निंदा। हुसैनाबाद के रुद्रा होटल में हुसैनाबाद जिला बनाओ संघर्ष मोर्चा के सदस्यों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता एजाज हुसैन उर्फ छेदी खान ने की, जबकि संचालन जाकिर अली उर्फ राज अली ने किया। कहना चाह रहे हैं कि विश्रामपुर विधानसभा में कार्य जो किए हैं वो व्यवसायीकरण किए हैं, वो व्यवसायी के रूप में जाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पलामू के लिए उधर उधर हैं, और उनका राजनीतिक जीवन भी 1990 के बाद ही स्टार्ट हुआ है। कोई पुराने नेता नहीं थे, और हुसैनाबाद से ही सीखे, और हुसैनाबाद ही उनका जन्मभूमि है। और हुसैनाबाद के जो आलोचना कर रहे हैं जिला बनाने के लिए, इसके लिए हम लोग बहुत कड़ी निंदा करते हैं, और इसको हम लोग संघर्ष के लिए आगे तक हम लोग बढ़ने के लिए तैयार हैं। और हम यही चाहते हैं कि मंत्री जी अभी से भी अपना बयान वापस लें और हुसैनाबाद को जिला बनाने में सहयोग करें। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री एक वक्तव्य दिए हैं, जिसमें बोल रहे हैं कि हुसैनाबाद जिला बनाने की अर्हता पूरी नहीं करता है। हुसैनाबाद जिला बनाओ संघर्ष मोर्चा की ओर से संरक्षक होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हुसैनाबाद जिला बनाओ संघर्ष मोर्चा माननीय स्वास्थ्य मंत्री के बयान का भरपूर निंदा करता है। हुसैनाबाद मेदिनीनगर के बाद सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा आबादी रखता है, और हर आहर्ता को पूरा करता है। रजिस्ट्री ऑफिस से लेकर रेलवे लाइन से लेकर के कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिस आहर्ता को पूरा नहीं करता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री अपने विधानसभा में एक सगुफा छोड़ करके अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने वोट के अस्तित्व को बनाना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार का वो बयान दे रहे हैं। इसका हम लोग भरपूर निंदा करते हैं। मंच के माध्यम से जो बोले कि हुसैनाबाद जिला बनाने की अर्हता नहीं रखता है, स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं इस मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जिस जन्मभूमि ऐसे कैबिनेट मंत्री को जन्म दिया है, वो अपने जन्मभूमि को कह रहे हैं कि अर्हता नहीं रखते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हुसैनाबाद की जनता इसको घोर निंदा कर रही है, इस वक्तव्य को मंत्री जी को, और मंत्री जी को बता देना चाहते हैं कि यह इंजीनियरिंग कॉलेज को रात भर में मेडिकल कॉलेज बनाने का जो उनका तरीका है वो ठीक नहीं है। हुसैनाबाद के भविष्य के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करें, वो अपने दायरे में रह करके जो है राजनीति हथकंडा अपना है। जो बयान आया है कि हुसैनाबाद जिला बनाने का हर्ता नहीं पूरा करता है, इसको आज हुसैनाबाद जिला बनाओ संघर्ष मोर्चा कड़ी शब्दों में निंदा करती है, और झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी को घोर विरोध करता है। और पलामू जिला में जो बड़ा क्षेत्रफल है, काफ़ी आबादी हुसैनाबाद पलामू के बाद है, इसलिए हुसैनाबाद सभी अर्हता पूरा करता है और हुसैनाबाद को जिला बनना चाहिए। हुसैनाबाद को जिला बनाने के लिए हुसैनाबाद संघर्ष मोर्चा को कोई भी आंदोलन करना होगा, हम लोग पीछे नहीं आएंगे, हटेंगे, आंदोलन जारी रहेगा, और मंत्री जी को कड़ी निंदा करते हैं। जो बयान है ये चुनावी सगुफा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और उनके बयान का हुसैनाबाद जिला बनाओ संघर्ष मोर्चा निंदा करता है। शायद उनको ये मालूम होना चाहिए, खुद वो इनकी जन्मभूमि रही है हुसैनाबाद, और उनको ये मालूम होना चाहिए अगर वो अतीत में जाकर देखें तो कल विश्रामपुर और मझियाओं हुसैनाबाद का आज भी बहुत सारी कागजातें और केवाला उनको कराने आता था तो इसी हुसैनाबाद में आते थे, और आज कहते हैं कि हुसैनाबाद अर्हता पूरी नहीं करता है। इससे बड़ा और क्या झूठ हो सकता है? यही मेरा कहना है। हम इसको अपनी हुसैनाबाद की जनता की ओर से घोर निंदा करते हैं। मोर्चा के सदस्यों ने सर्वसहमति से 11 अक्टूबर दिन बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्य रूप से अजय भारती, गौतम पटेल, निर्मल यादव, नगर उपाध्यक्ष ग्यासुद्दीन सिद्दीकी, सूर्यनाथ पासवान, चिंटू खान, प्रहलाद ठाकुर, अर्जुन सिन्हा, अजय गुप्ता, इम्तियाज आलम, बाबर खां, धनंजय कुमार, नौशाद खां, जनक पासवान, निजामुद्दीन खां, ध्रुव प्रसाद सहित कई अन्य लोग भी उपस्थित थे। धन्यवाद।